लेकिन किरण कुछ स्टॉक्स और जो बस कर रहे हैं आज के ट्रेड में, उसमें इंडिया ग्लाइकोल्स, ये शेयर अभी थोड़ी देर पहले काफी स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ नजर आया, इंडिया ग्लाइकोल्स पे क्या व्यू निकलता है? बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है रजत जी। मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसने पहले तो करीबन 106 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, और उसके साथ ही साथ अगर पिछले 8 दिन का ट्रेडिंग सेशन देखे तो 112 113 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, तो सारे के सारे लेवल्स क्रॉस करते नजर आ रहे। तो 111 के स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग जाने की सलाह दूंगा, और इसमें टारगेट्स करीबन आपको इजीली 126 के देखने को मिलेंगे, जो कि आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए एक और शेयर है हिंद रेक्टिफायर्स, अगर आप इसको ट्रैक कर पाए तो, इनफैक्ट अब ये 2015 फरवरी के हाई तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंद रेक्टिफायर्स चार्ट पे कैसा लग रहा है? हिंद रेक्टिफायर्स का चार्ट मेरे सामने नहीं है रजत जी, आई एम सो सॉरी। चलिए ठीक है। साथ ही साथ एप्कोटेक्स, ये शेयर काफी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है आज के सत्र में, गिरते बाजार पे दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब एप्कोटेक्स कामकाज कर रहा है, क्या इस चार्ट को ट्रैक करते हैं? हाँ, ये चार्ट अच्छा दिखाई दे रहा है, पर आज ये खुला ही बहुत अच्छे फोर्स के साथ, उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो इधर बाय करने की सलाह होगी 395 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट्स के लिए आप 428 के लेवल्स देख सकते हैं। राइट, एनआईटी बहुत ज्यादा एक रेंज में फंसा हुआ था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये जो रेंज है ये अब कहीं ना कहीं अपर साइड पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और आज के सत्र में काफी स्ट्रॉन्ग मूव है, 105 106 तक के जोन्स देखने को मिल रहे हैं। एनआईटी इस समय टेक्निकली कैसा लग रहा है, अगर पोजिशन लेनी हो तो कौन से स्तर पर खरीदें? एनआईटी कल के आधे घंटे में इसने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक बढ़त देखने को मिली थी, करीबन 97-98 से लेके 100 रुपए तक एक बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गया था, उसका कंटिन्यूटी हमने आज देखी है, 106 के लेवल्स इसने छुए, और मेरा मानना है कि इधर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, ये इजिली एक अच्छा अच्छा मूव दिखाई देगा, हिस्टोरिकल हाई के करीब है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी आएगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम करेक्शन करेगा 1-2 दिनों में, और फिर वापस एक बार एक नए लीग में चला जाएगा, तो होल्ड करने की सलाह होगी, स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 101 का, और टारगेट्स के लिए 115-16 एक हफ्ते के व्यू के साथ लेने चाहिए। चलिए